नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम सवेरे से चर्चा कर रहे हैं गुजरात चुनाव की। गुजरात के पहले चरण का वोट चल रहा है, वोटिंग जारी है। अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें करीब 19% वोट डाले गए हैं। कई रफ्तार ज़्यादा है तो कई थोड़ी सुस्त, लेकिन जिस तरह का माहौल गुजरात में फिलहाल दिख रहा है उससे ये तो संकेत मिल रहे हैं कि जनता जो है लोकतंत्र में अपना उत्साह बरकरार रखे हुए है, यानी अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उसके बाद तकरीबन साफ हो जाएगा कि पहला चरण किसके हक में रहा और किसने शुरुआती दौर में बाजी मार ली है, यानी कौन फ्रंट फुट पर रहा। गुजरात में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार मुकाबला ट्रायंगल में है, त्रिकोणीय है। आम आदमी पार्टी ने तो पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो कुछ खास नहीं कर पाई थी। उसके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। पंजाब में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का विश्वास बढ़ा है और उनका यह आत्मविश्वास किस पर भारी पड़ता है पूरा देश ये भी जानना चाहता है। फिलहाल कोई भी सियासी दल जीते या हारे इसका पता तो 8 दिसंबर को चल ही जाएगा, लेकिन गुजरात का जीतना तय है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार हमला है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा है कि कांग्रेस ने मुझे गाली देने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस ने मुझे गाली देने की होड़ लगी हुई है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा अपने भाषण में कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना खिलेगा। गांधी परिवार को खुश करने के लिए गाली दे रही है कांग्रेस, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे कोई रावण कहता है तो कोई राक्षस कहता है। प्रधानमंत्री का अपमान आप सभी का अपमान है। मोदी ने अपने वोटर्स के साथ कनेक्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान सबका अपमान है। हवे तमे मने को राम भक्तो ना धरती पर राम भक्तो नी सामे એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો બોલો। ભાઈઓ બહેનો, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યામાં ભગવાન રામ મંદિરને પણ ભવ્ય રામ મંદિરમાં પણ એનો વિશ્વાસ નથી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એને તો રામ સેતુ સામે વાંધો, એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી, બોલો। ભાઈઓ બહેનો, મને એ વાતનું આશ્ચર્ય નથી કે નરેન્દ્રભાઈને કોંગ્રેસના લોકો આટલી બધી જાત જાતની ઢગલા બંધ ડઝન બંધ ગાળો દીધી છે। મને આશ્ચર્ય એ વાતનું છે અને કોઈને પણ થાય કે આટલું અપશબ્દો બોલવા છતાંય કોંગ્રેસ પાર્ટી એના નેતાઓએ અધિકૃત રીતે ક્યારેય પશ્ચાતાપ વ્યક્ત નથી કર્યો, દુઃખ નથી વ્યક્ત। ચલો ભાઈ જુસ્સામાં બોલે ગયું એવી પણ દિલગીરીની તો વાત જવા દો। મને લાગે છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી મોદી ને ગાળો દેવી આ દેશના પ્રધાનમંત્રીને અપમાનિત કરવા। गुजरात में पहले चरण में 25,434 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता वोट डाल रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो दिग्गज लोग हैं, मनसुख मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो वोट डाल रहे हैं, पुरुषोत्तम रूपाला हमारे साथ वहाँ पर वोट डालते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम दिग्गज जो है इस वक्त वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। मुमताज पटेल भी हैं जो अहमद पटेल की बेटी हैं भरूच में। रविंद्र जडेजा हैं जो क्रिकेटर हैं, उनका वोट भी दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया भी वोट डालते हुए देख रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष का वोट भी आप देख रहे हैं। तो लगातार वोट का सिलसिला जारी है। हालांकि वोटिंग
वोटिंग लगातार चल रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। ऋषभ तिवारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, काना बाटवा आजकल के संपादक हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष पंत मेरे सहयोगी हनोल से जुड़े हुए हैं और मेहुल झाला राजकोट में हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष, क्या खबर है हनोल से, वोटिंग का क्या हाल है? मनसुख मांडविया के साथ हम आपको देख रहे थे पालीताना में, किस तरह की वोटिंग चल रही है? सर, वोटिंग बहुत जबरदस्त चल रही है और जिस तरह से मतदाताओं का रुझान सुबह से दिखाई दे रहा है पूरे भावनगर, पूरे पालीताना में, और मैं हनौल में इस वक्त हनौल गांव की सीमा पर मौजूद हूं। और अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने यहां अपना वोट कास्ट किया, अपने परिवार के 32 लोगों के साथ वो वोट कास्ट करने पहुंचे थे। पहले उन्होंने गाँव के लोगों के साथ बातचीत की, चाय पी, पान खाया और चर्चा की, उसके बाद अपने परिवार के साथ वो अंदर गए, वोट कास्ट किया और बाहर आए। लगातार लोगों का रुझान यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए है। सुबह से मतदान केंद्रों पर लोगों का आने का क्रम जारी था, यहाँ तक कि वोटिंग का टाइम 8 बजे से शुरू होना था, लोग 7:30 बजे ही मतदान केंद्रों पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि कब कहा जाए कि हाँ आइए और अपना वोट दीजिए। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए गुजरात में दिखाई दे रहे हैं। जी, मेहुल झाला हमारे साथ राजकोट से जुड़े हुए हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं गुजरात में। मेहुल, आप लगातार गुजरात में घूम रहे हैं लेकिन इस वक्त राजकोट में हैं और समय हो रहा है 1:08, राजकोट के भोजन और विश्राम का समय है, तो क्या वोटिंग पर असर पड़ेगा? बिल्कुल, केवल भोजन और विश्राम का समय ही नहीं, ये तो इनकी रोजिंदी जिंदगी का एक हिस्सा भी है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 1000 शादियां आज सौराष्ट्र भर में हो रही है, उसमें से 300 शादियां राजकोट शहर में है। कहीं ना कहीं ये भी एक असर डाल सकता है। मैं सुबह से जहां वीरानी हाईस्कूल में खड़ा हूं, सुबह से यहां 2 पोलिंग बूथ है, आहिस्ता आहिस्ता 10-10, 15-15 लोग यहां पर वोटिंग में कतार में दिख रहे हैं, तो इतना बड़ा हुजूम नहीं दिख रहा है यहाँ। ये जरूर है कि सौराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में रफ्तार काफी सुस्त है, जैसे कि द्वारिका में 11 बजे तक केवल 16.5-17% ही वोटिंग हुई थी। गिर सोमनाथ की बात करें तो गिर सोमनाथ में भी एवरेज यही था। कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 बजे के आसपास जो वोटिंग हुई वो तकरीबन 20-22% हो सकती है। अब जो आंकड़े हैं वो 12 बजे तक के सामने आएंगे, 11 बजे तक के, उसके बाद चित्र स्पष्ट होगा। मुझे लगता है कि तकरीबन पिछली बार 62.2% वोटिंग हुई थी 2017 में, इस बार लगता है कि करीब 58-60% वोटिंग हो सकती है, जिस तरह से अभी 1 बजे हम वोटिंग की रफ्तार को देख रहे हैं। जी, कानू बाटवा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आजकल के संपादक है। कानू बाटवा साहब, स्वागत है आपका। जैसे मेहुल कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंट अब जो है कम हो सकता है, इस बार जो अभी तक का आ रहा है 19% है, 20% है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आदिवासी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कंपेरेटिवली ज़्यादा है शहरी इलाकों के मुकाबले। और यदि 2012 और 2017 को देखें तो 2012 से 17 में 4% वोटिंग कम हुई और भारतीय जनता पार्टी की 17 सीटें कम हो गई। तो इस सबको आज के तौर पर, पहले चरण के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं, कहाँ ले जा रहा है ये चुनाव? देखिए, वोटिंग परसेंटेज शुरुआत में लगता था सुबह जी कि वोटिंग बढ़ जाएगा, अच्छा रेफर हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं है जी। सुबह 1 घंटे में 5% वोटिंग होने के बाद अभी 5 घंटे में 27% वोटिंग आई है जी, यानी ये परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो वो 60% तक पहुँच जाएगा ऐसा अनुमान है। 60 से ज्यादा ऊपर जाने की संभावना अभी दिख नहीं रही है जी, क्योंकि ये 2 घंटे सौराष्ट्र में तो वैसे ऑलमोस्ट बंद ही रहता है, लोग सिर्फ खाते नहीं, दोपहर से सोते भी हैं जी। यहाँ दोपहर की सियासत ना का एक जो है सिलसिला है, लोग 1-2 घंटे आराम करते हैं जी। तो ये 3 बजे के बाद फिर वो रोटी पकड़ेगा। आदिवासी विस्तारों में हमेशा ही वोटिंग ज्यादा भी रहती है और वो एन मास वोटिंग करते हैं जी, तो वो हमेशा ही उसको गिनती में नहीं लिया जाता। 2012 में गुजरात में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद 2017 में कम हो गया और इस बार भी शायद हो सकता है उससे भी थोड़ा कम हो, मगर उससे ये नहीं कहा जा सकता कि वोटिंग कम होने से भाजपा को नुकसान हो जाएगा जी। ये अभी स्पष्ट तौर से नहीं कह सकते, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था वोटिंग कम होने का कारण बहुत से थे, इसमें दो कारण तो ये थे कि दो आंदोलन थे, साक्षरता आंदोलन और पाटीदार आंदोलन, ये दो आंदोलन के कारण बाकी जो जनता थी वो थोड़ी सी निष्क्रिय हो रही थी, निरस्त हो रही थी
तो उसके कारण वो वोटिंग वहाँ कम हुआ था जी। और भाजपा को नुकसान तो पाटीदार आंदोलन का हुआ था, सिर्फ सौराष्ट्र की जो जितनी सीट ज्यादा मिली थी भाजपा को और कांग्रेस को, उतना ही नुकसान भाजपा को हुआ था। तो उसको दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं। पहले ये कहा जाता था कि जितनी ज्यादा वोटिंग हो उतनी भाजपा को फायदा है, क्योंकि उस टाइम भाजपा का वोट सिर्फ थोड़ा कम था, अब वो ऐसा नहीं होगा, अब तो वोटिंग कम होगी तो भाजपा नुकसान में। जी ऋषभ जी, वोटिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी पीयूष को आपने सुना, मेहुल जी को सुना, कान्हा जी को सुना, क्या आपको लग रहा है कि नुकसान हो सकता है यदि वोटिंग कम हुई तो भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, नुकसान की जहां तक बात है तो मुझे नहीं लगता कि वोटिंग परसेंटेज के आकलन पे में नुकसान या फायदे की बात करना उचित होगा। जहां तक पूरे कैंपेनिंग के दौरान ये देखा गया है कि जनता के मन में एक विश्वास है भाजपा के प्रति, और वो विश्वास अपने मतों के द्वारा वो दिखाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि 27 साल से जो एक विकास की दशा चली आ रही है वो आगे भी चलते जाएगी। तो कम परसेंटेज का, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा बखूबी आपके पत्रकार ने डिफाइंड किया कि शादियों का माहौल है और भी अभी इंगेजमेंट है लोगों का, तो हो सके वो बाद में करने आए वोटिंग, तो अभी शाम तक पता चलेगा कितना वोट परसेंटेज हुआ है। लेकिन जहां तक जनता के अंदर उत्साह की बात है, वो विकास के प्रति उत्साह है और वो मतों के द्वारा दिख जाए जी। हिंदू धर्म व्यवस्था में सात जन्म का साथ तो चर्चा होती रहती है ऋषभ जी, लेकिन ये सात चुनाव तक सरकार का साथ बना रहे, ये थोड़ा सा ट्विस्ट वाला गेम है, आपको कैसा लगता है? देखिए, आपके पत्रकारिता का इसलिए मैं कायल हूँ सर, और जिस तरह का ट्विस्ट लेकर आप आते हैं अपने डिबेट के दौरान अच्छा लगता है। सात जन्म की बात है, मैं तो चाहता हूँ 14 जन्म भी हम रहेंगे तो हम दिलों में बसे रहेंगे जनता के, उसके बाद भी अगर दुनिया रहेगी तो हम बसे रहेंगे। तो क्योंकि बसने का एक ही मकसद है कि हम विकास को प्राथमिकता देते हैं और आधार पे अंत्योदय मूलभूत पे काम करते हैं। तो जनता समझती है कि बार बार डाइवर्स क्यों लेना भाई, एक जगह गठबंधन हो गया उसी के साथ चलते पड़ो, ये गठबंधन अच्छा है। ठीक है, ये गठबंधन अच्छा है। पीयूष पंजी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने उनको सबसे आखिर में इसलिए याद किया कि सब बातों को सुन से उनसे एनालाइज किया जा सकता है, वो अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। पीयूष जी, आप कैसे इसको देखते हैं, ऋषभ जी जो बात कह रहे हैं, कान्हा जी जो बात कर रहे हैं, मेहुल या पीयूष जो बात कर रहे हैं, और अभी तक जो वोटिंग हुई है? देखिए विजय जी, जो है कि वोटिंग 2017 में भी कम हुई थी, आप अगर देखें तो 65% पहले चरण में लगभग हुई थी और दूसरे चरण में 69 से थोड़ा ज़्यादा हुई थी जी। और कुल मिला के वो करीब 68 के करीब हुई थी। तो और बीजेपी देखिए कम होती है वोटिंग, तो ये एक परंपरागत ये माना जाता है कि जो पार्टी है सरकार में वही चलती है वो पार्टी, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आते हैं जी। और वोट देते हैं एक परिवर्तन के लिए जी। लेकिन वही हमने देखा ये फैक्टर इस बार, ये जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही थी कि असंतोष है लोगों को, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जी, इसीलिए हमने देखा कि अमित शाह जी को भी जो है कि कुछ हिंदुत्व के एजेंडे की बात करनी पड़ी उनको, जो है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की बात करी उन्होंने, उन्होंने जो है कि एक हिंदू जो ये क्या नाम है कॉमन सिविल कोड की बात करी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है। तो उस हिसाब से जो जनता चाह रही परिवर्तन, तो वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन अभी की जो अभी देखिए अभी समय मुझे लगता है कि थोड़ा अभी जल्दबाजी होगी किसी तरह का आकलन करना, क्योंकि 5 बजे तक काफ़ी जो बात के समय है 3 से लेकर 5 तक काफ़ी इंटेंसिव वोटिंग होती है, और अभी जो लोग भी अपने और कार्यक्रम में व्यस्त है तो वो आएंगे तो करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए अगर आम आदमी पार्टी जिस शिद्दत के साथ लड़ रही है वहाँ चुनाव पर, तो निश्चित रूप से उसके समर्थक तो बड़ी संख्या में आ रहे होंगे, तो क्या इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि उसके वोटर कम आए या कांग्रेस के वोटर कम निकल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस जो है कि वो भी बड़ी वहाँ पे जो है तेज़ी से जो अपने को बड़ी एक कहीं ना कहीं तो तीसरी पोजीशन में देख रही है वो अपने को, लेकिन वो चाह रही कि इस स्थिति से बचा जाए और कम से कम जो है दूसरे स्थान पर वो रहे। तो मुझे लगता है कि अभी ये कोई जल्दबाजी होगी कहना ठीक है स्थिति क्या बन रही है, लेकिन जो परंपरागत रूप में अगर हम देखें तो अगर कम वोटिंग होती है तो निश्चित रूप से इसका मतलब ये होता है कि
सरकार जो है कि वही रहेगी और बदली नहीं जाएगी, भले ही सीटें कम हो जाएं। और पिछले बार भी हमने देखा कि सीटें कम हुई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सरकार बनी उनकी भी। ठीक है, वो तो बीजेपी के लिए ऋषभ जी जैसे लोग बैठे हुए हैं सरकार में, वोट कम भी आए तो बाद में बढ़ जाते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात चुनावों की, पहले चरण की वोटिंग हो रही है 89 सीटों के लिए, 89 सीट्स के लिए वोटिंग हो रही है। बड़े दिग्गज लोग भी इस मैदान में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दिग्गज मैदान से बाहर हो गए, इन सब का क्या असर होगा इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता ऋषभ तिवारी साहब, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंजी, मेरे सहयोगी मेहुल झाला और आजकल के संपादक कानू बाटवा साहब। मेहुल, बात हो रही है कि किस तरह से सारी चीज़ों का हुआ है, अभी पीयूष जी ने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस को दूसरे से तीसरे नंबर पर ला सकती है? हालांकि आम आदमी पार्टी वाले नाराज हो सकते हैं, वो तो कह रहे हैं हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। देखिए विजय सर, सूरत और सौराष्ट्र का मिजाज अलग है। हम जहां सोमनाथ द्वारिका में गए थे, वहां भी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के लिए कोई खुलकर सामने आ नहीं रहा है। जरूर उनके वादे लुभावने हैं, उनकी बातों में दम है, पर ये होता है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक से दस वाली जो कैडर है, बड़े चेहरों की होनी चाहिए या अनुभवी होनी चाहिए। सरकार चलाने में अनुभव काफ़ी महत्व रखता है। कहीं ना कहीं स्थानीय जिले के जिला लेवल पर जो प्रत्याशी खड़े हैं आम आदमी पार्टी के, उनका जरूर थोड़ा बहुत वजूद होगा, पर जिस कदर से पूरे मास की ओर से देखें, उनके नज़रिए से देखें, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को ग्रामीण इलाकों में थोड़ी बहुत बढ़त मिलती है तो ये कांग्रेस के वोट काट सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कम ही नुकसान हो सकता है, पर सूरत इससे अलग मामला है। सूरत में कतारगाम, बराछा और करण जैसे विधानसभा क्षेत्र है जो पाटीदार बहुल इलाका है। ये पहली बार हो रहा था कि 2022 के चुनाव में अहमदाबाद और बड़ौदा के ज़्यादातर कैंडिडेट बदल दिए गए, कॉरपोरेशन में जो पदाधिकारी पूर्व में रह रहे हों या वर्तमान में हों उनको टिकट दिया गया है। जैसे राजकोट में दर्शिता शाह महानगर पालिका से जुड़ी हुई हैं, बड़ौदा में खुद महापौर केयूर रोकड़िया को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो जो जिस तरह का बदलाव देखा गया है यहाँ पर, उस तरह का बदलाव सूरत में नहीं दिखा गया। सूरत में 12 जो विधानसभा क्षेत्र की सीट है उसमें से 11 को जस की तस रखते, एक जो 84 विधानसभा क्षेत्र की सीट है वहाँ की जंखना पटेल को चुनावी मैदान से बाहर कर दिया, टिकट नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कुमार कानानी जिन पर टिकट नहीं दिया जाना था इस बार, पर वहाँ पर अल्पेश कथीरिया और गोपाल इटालिया की सूरत में दावेदारी होने के बाद कुमार कानानी जो कि रूपाणी सरकार में पूर्व राजस्व आरोग्य मंत्री हुआ करते थे, कोरोना काल में भी उन पर कई सवाल उठे थे, उनके परिवार पर भी कई आरोप लगे थे, उनको शायद भारतीय जनता पार्टी ने फिर से चुनावी मैदान में इसलिए उतारा कि कम से कम यहाँ प्रत्याशी बदल देंगे तो ये एक विधानसभा क्षेत्र की बैठक का नुकसान हो सकता है। तो यही कारण था कि कुमार कानानी को रिपीट किया गया और सामने अल्पेश कथीरिया वहाँ पर चुनाव में लड़ रहे हैं जो कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हार्दिक पटेल के बाद सूरत में अल्पेश कथीरिया थे। तो ये समीकरण है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, कुमार कानानी को नुकसान हो सकता है, बाकी 3 सीटों पर जो बीजेपी प्रत्याशी है उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक ही फैक्टर चलता है, पी फॉर पाटीदार। अब ये पाटीदार किस तरफ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी पर डटे रहेंगे या फिर अल्पेश के समर्थन में जाएंगे, खासकर जो युवा वोटर्स हैं उनका रुझान किस तरफ से रहेगा, इस पर नजर बनी रहेगी। ठीक है जी, पीयूष भावनगर की क्या खबर है, आप भावनगर में हैं? देखिए भावनगर की पिछली अगर 2017 की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ठीक था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को लगातार भावनगर में संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपने केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया को एकदम कैंप करा रखा है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए सौराष्ट्र, पूरे सौराष्ट्र की चर्चा चूंकि अभी मेहुल जी कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह से सौराष्ट्र की चर्चा की तो उसमें साफ जाहिर है कि पिछली बार सौराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ खास नहीं था। कई ऐसे जिले थे जिस जिले में भारतीय जनता पार्टी ने खाता भी नहीं खोला था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि सौराष्ट्र में वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। दो केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला दोनों सौराष्ट्र से हैं और दोनों लगातार सौराष्ट्र के क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं, चाहे वो रथ यात्राएं रही हों, चाहे वो जनसभाएं रही हों, चाहे वो रैली रही हो, रोड शोज रहे हों, और लगातार गांव-गांव में इन्होंने कैंप किया है। तो निश्चित तौर पर पूरे सौराष्ट्र की बात की जाए, अगर भावनगर की बात की जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी।
पहले चुनावों को लेकर अपडेट देते हैं। गुजरात चुनाव से बड़ा अपडेट आ रहा है कि पहले चरण में 1 बजे तक 29% वोटिंग हो चुकी है। 29% वोटिंग हो चुकी है। द्वारका में थोड़ा सा वोटिंग जो है वो धीमी बताई जा रही है, मतदान की गति धीमी है, लेकिन करीब करीब 29% वोटिंग इस समय 1 बजे तक हो चुकी है, तो उसे कम नहीं माना जाना चाहिए। मेरे ख्याल से 29% है। द्वारका का जो जिला है वहाँ पर मतदान की गति धीमी बताई गई है। ये बड़ा अपडेट अभी आ रहा है, 1 बजे तक का अपडेट मिल रहा है। थोड़ी देर में ज़्यादा विस्तार से अपडेट मिल जाएगा हमें कि वोटिंग का क्या क्या हुआ है। 1 बजे तक की वोटिंग का थोड़ी देर में हमें वोटिंग मिल जाएगी, लेकिन 29% एवरेज जो है वोटिंग वहाँ पर हुई है। इस समय 89 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें से 35 सीटें दक्षिण गुजरात की है, 54 सीटें सौराष्ट्र और कच्छ की है। हमारे मेहमान खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषभ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानू बाटवा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष जी जुड़े हुए हैं, पीयूष पंत साहब और मेहुल झाला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ जी आपके पास आना चाहता हूँ। पहले जो बात मेहुल कह रहे थे कि रेबल कैंडिडेट्स की बात हो रही है, कुछ कुछ नाराजगी चल रही है, आपने तो सारे घर के बदल डाले थे 1 साल पहले, व्हाइट वॉश कर लिया, विजय रूपानी जी को, कैबिनेट को, सबको हटा दिया, नई कैबिनेट बना दी, नया कर दिया, और फिर उसके बाद 38 MLAs के टिकट भी काट दिए, तो अब विधानसभा के ड्राइंग रूम में इस चमक दमक का कोई फायदा होगा कि नहीं होगा? देखिए, चमक दमक का फायदा जनता ने विकास के रूप में देखा है विजय जी, और दूसरा मैं बताऊंगा कि आपके वरिष्ठ पत्रकार ने एक अच्छा विषय रखा था सूरत को लेकर। मैं बताना चाहूंगा जो अभी गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर संघवी जी, और उससे लगभग 10 साल पहले से मेरी जुड़ाव रही है। 2013 में जो वो पहले राष्ट्र महामंत्री बन के आए थे युवा मोर्चा में, तो मैं राष्ट्र कोर कमेटी में था, स्टडी सर्कल में, तब से मैंने उनके साथ काफी काम किया है। हैदराबाद अधिवेशन हो, मथुरा अधिवेशन हो, काफी लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ। गुजरात में जब कोरोना की महामारी पूरे देश झेल रहा था, वो ना केवल वहां के एक लौटे विधायक थे, बल्कि कांग्रेस के द्वारा अनेकों आरोप लगाने के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल कर लोगों की सेवा की थी, वो पूरे देश ने देखा था। और मैं किसी पार्टी के पक्ष पे ये बात नहीं कह रहा हूँ, बकायदा बहुत ऐसे मीडिया हाउस ने इंडिविजुअल तौर पर उनकी तारीफ की थी, उनकी प्लानिंग की तारीफ की थी। तो मुझे लगता है कि उस तरीके का एक प्रतिनिधि जब पूरे इलाके पे प्रभाव डालता है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में वातावरण तब्दील होता है। मुझे लगता है वो सारे दिन भी जनता के दिल और दिमाग में होगा कि जब महामारी में किस पार्टी के नेता ने मजबूती से साथ दिया और किस पार्टी के नेताओं ने केवल आरोप लगाए। मुझे लगता है वो आकलन तो होगा इस चुनाव जी। हर्ष जी, क्या नाम है, ऋषभ जी, बात पर्सनल करने की नहीं है, लेकिन आपका हर्ष संघवी से बहुत क्लोज कनेक्शन है जैसा आपने जिक्र किया, और आपकी बीजेपी के इनर सर्किल में बड़ी पहुंच है ये मैं जानता हूं, तो हर्ष संघवी की जैसे तारीफ कर रहे हैं आजकल सब लोग, क्या वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं क्या यदि सरकार बनी तो? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि आप इवन अगर आप प्रधानमंत्री जी से भी पूछेंगे तो वो भी एक ही लाइन बोलेंगे, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, हमारे यहाँ कोई प्लान नहीं होता जी। नहीं, लेकिन ताकत है, आपने कहा प्लानिंग भी है, फिर वाराणसी के इलेक्शन में भी हर्ष संघवी ने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था 2019 के इलेक्शन में, ऐसा मुझे याद आ रहा है, तो और आपने कहा कि बहुत अच्छी प्लानिंग वाले हैं, तो अच्छा प्लानिंग वाला चीफ मिनिस्टर बने तो क्या बुराई है? बुराई कुछ भी नहीं है, युवा चेहरे बनना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्लानिंग के जहां तक बात है, जब भी मोदी जी का फॉरेन टूर भी होता है तो प्लानिंग कमेटी में भी वो रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके ऊपर कोई संदेह करना चाहिए। लेकिन इस बार इलेक्शन में ये देखने को भी मिला है, जो कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से आरोप लगाते आ रही थी कि भाजपा में कहीं ना कहीं पुराने लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, आज उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिला। अमित ठाकुर जैसे लोग, प्रतिभावान लोगों को टिकट देकर जिस तरीके से भाजपा ने हर विरोधियों को जवाब देने का काम किया जी, विजय रूपाणी जी को भी दे देते तो फिर जवाब देने की सवाल ही नहीं करता कोई, है ना? कानू बाटवा साहब, ठीक है, कानू बाटवा साहब दो बातें जो भारतीय जनता पार्टी के रेबल कैंडिडेट की है वो, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि आम आदमी पार्टी का रोल क्या रहेगा यदि 3 बड़े कैंडिडेट का नाम लें, कथीरिया का जो वराछा से है, या गोपाल इटालिया का, या इशुदान गढ़वी का, आप कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को और इन तीनों कैंडिडेट्स को? पहले मैं एक बार ये बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो अभी आंकड़ा आया है 1 बजे तक का जी, वो 34% का आया, शायद हो सकता है वो गलत भी हो, मगर मेरे पास अभी आया है, वो अपडेट होता रहता है, हो सकता है 34 होगा जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर 34 है तो अच्छा है जी, 34 है तो ये अच्छा किया जाएगा। अब आपकी बात पे आते हैं, देखिए ये तीनों जो है
उनके जीतने की संभावना वाले जो उम्मीदवार हैं, थोड़े से जो जीतने वाले हैं जी, जिसको कहा जाता है कि जीत जाएंगे उसमें से हैं। ईश्वरान गढ़वी जहाँ से लड़ रहे हैं वो उसका घर है जी, वहाँ खंबाड़िया शहर से 15-20 किलोमीटर दूर उसका गांव है जी। और जब वो टीवी पे एंकर थे जी, तब भी उसी एरिया में से उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था और उसको लगता है कि वहाँ उसको अच्छी पकड़ है उसकी जी। तो उनकी भी ये संभावना अच्छी है कि वहाँ उसका कुछ काम चल जाएगा। बाकी रहे गोपाल एझारिया और अल्पेश कथेरिया, ये दोनों जो है देखिए अगर सूरत में हमें देखना है तो पास का जो प्रभाव है ये इन दोनों इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली यही दोनों हैं जी। तो ये दो नेता जो है वो कुछ कर सकते हैं कि जहाँ अपन देखेंगे वो लोग ठेक कर देंगे। तो मुझे लगता है कि जो 5-7-10 बैठक जो जिसको माना जाता है कि ये आपको मिल जाएगी उसमें ये बैठक आती है जी। पीयूष पंत साहब, अभी आज प्रोग्राम हमने शुरू किया तो प्रधानमंत्री जी गुजरात में भाषण दे रहे थे, वहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस में उन्हें गाली देने की होड़ लगी हुई है। ठीक बात बोल रहे थे कि कभी रावण कहा गया, कभी राक्षस कहा गया, कभी औकात बताने की बात की गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के पद को लेकर भी हम भी सब मानते हैं, लेकिन बार बार सभाओं में इस बात का जिक्र करना किस बात को दर्शाता है? क्या आप विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं? देखिए विजय जी, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, हाँ ये मैं भी मानता हूँ कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, खासकर अगर प्रधानमंत्री हैं तो। भले ही प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कुछ भी कहते रहूँ विपक्षी दलों के लिए, लेकिन कम से कम जो विपक्षी दल हैं उनका ये बनता है कि क्योंकि वो एक जद्दोजहद में हैं एक भारतीय जनता पार्टी को जो हराने के, तो कम से कम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिसको भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से जो है अपने पक्ष में मोड़ने का काम कर लेती है। तो मुझे लगता है कि ये है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इसका देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इन शब्दों का, और उसको निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं ये कमजोरी है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी जी बहुत इमोशनल कार्ड खेलते हैं। वो गुजरात की अस्मिता की भी बात करने लगते हैं, उनके ऊपर कोई वो तो किलों में गालियों को तोल भी देते हैं कि हमको जो है कि किलों में गालियाँ दी जाती हैं जी, इतने किलों में। तो ये निश्चित रूप से भटकाने वाली मुझे लगती है बात। और इसी के साथ साथ विजय जी आपको ये भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से ये पहली बार हो रहा है कि किस तरह से मोदी जी की भी बात इनके जो विधायक हैं नहीं सुन रहे हैं। हमने हिमाचल में देखा, हमने यहाँ गुजरात में देखा जितने रेबल्स हुए, और वो स्ट्रांग लोग हैं जो 6-7 बार जो है वो जो विधायक बने हैं, और मधु श्रीवास्तव का देखिए केस ले लीजिए, वो उनकी एक पकड़ है वहाँ पे। पीयूष जी, सारी सरकार बदल दी उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री कैबिनेट मैं ये कहना चाह रहा हूँ विजय जी की निश्चित रूप से मोदी जी की भी खिलाफत शुरू हो गई है भाजपा के अंदर भी, तो इसके भी आप कुछ ना कुछ जो है प्रभाव देख सकते हैं, और इसीलिए जो है लगातार इमोशनल कार्ड जो है मोदी जी खेलते हैं और अपने को जो है एक विक्टिम बनाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें पता है कि उससे जो है कि उनको वोट मिलेगा। लेकिन क्या अब वही गुजरात की जनता के बीच में भी मोदी जी उतने ही उस तरह की छवि है उनके बीच में, ये अब देखने वाली बात होगी जी। ऋषभ जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप अपना रिएक्शन। मैं इसमें जोड़ना नहीं चाहता, इनकी बात को एक तरीके से नकारना चाहता हूँ कि पार्टी के अंदर कहीं से कोई संदेह नहीं है कि हमारे नेता मोदी जी हैं और देश के लोकप्रिय नहीं विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन जिस तरह का समीकरण की बात इन्होंने कही कि अगर हम पे कोई कीचड़ उछालेगा तो हम उसमें कमल खिलाएंगे, कीचड़ में कमल खिलेगा, उछालिए आपको जितना कीचड़ उछालना है। ये बात मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि कभी कोई राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करेंगे, रामायण पे सवाल खड़ा करेंगे, आज वो रावण की तुलना कर रहे हैं, तो ये कहां से समीकरण बैठता है जाए? तो अगर कोई कीचड़ उछाल रहा है तो उस पर हम चुप होकर बैठ जाए? ये एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हम उस पर जवाब तो जरूर देंगे। उसमें किसी को आपत्ति लगती है, इमोशनल कार्ड लगता है तो लगे। देश की जनता, गुजरात की जनता के दिल में बसने वाले नेता हैं और जितना कीचड़ उछालेंगे जनता मतों के द्वारा कमल खिले जी। मेहुल, आप इस पर कमेंट करना चाहते हैं कि गुजरात के चुनावों में बहुत गालियों का एक फैशन चला है और विक्टिम कार्ड भी एक तरह से खेला गया। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, अरविंद केजरीवाल साहब भी प्रधानमंत्री जी की तरह से बोलते रहे कि मुझे भी 2-3 किलो गालियां रोज बीजेपी वाले देते हैं, तो ये गालियों से चुनाव जीता जाएगा क्या?
देखिए मुद्दे नहीं है, इसलिए बार बार राम मंदिर आता है, निजी हमले आते हैं। अब मणिशंकर ने जिस वक्त कहा था उसके बाद जो मधुसूदन मिस्त्री ने शब्दवाण छोड़े, उसके बाद उसी कड़ी को जोड़ते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए। पर जिसने कह दिया उसने समझो कह दिया, उसको दोहरा दोहरा कर आप भावनाओं से खेलने वाली बात जो है ये चुनाव में नहीं है। महंगाई सबको आड़े आती है, जो बीजेपी को यहाँ वोट करके निकले हमने उनका मन जाना, उनकी बातों से लग रहा था कि कुछ भी कह ले पर वोट तो एक पार्टी को ही देंगे। जिस तरह से लोगों की मानसिकताएं बनी हुई है, अब ये लोगों को समझना चाहिए कि जो हमारी महंगाई, हमारे लिए भ्रष्टाचार और जो बाकी चीज़ें शिक्षा स्वास्थ्य हैं, इनको लेकर पुख्ता बात नहीं हो पा रही है। कोरोना काल में क्या हुआ, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है, कोर्ट में एफिडेविट हुई, उसके बाद जो मुआवजा दिया गया उसमें कई सारे विरोधाभास सामने आए, पर बार बार ये मुझे इसने ये कहा, मुझे उसने ये कहा, कितने चुनावों तक ये चलता रहेगा? नहीं, लेकिन देखा है कि 2002 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हर जगह ये कहा। एक सवाल मैं समझना चाहता हूँ, पीयूष जी ने कहा कि आजकल प्रधानमंत्री जी की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं सुन रहे, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल, 12 बागी थे जिन्होंने नामांकन भरने की ठान ली थी, उसके बाद उसी दिन सीआर पाटिल से हमारी बात हुई थी, कमलम गांधीनगर में अनौपचारिक रूप से बातचीत चल रही थी, कई सारे पत्रकार भी थे, प्रिंट मीडिया के थे। सीआर पाटिल ने सीधा साफ कहा कि अगर ये नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि तक अगर नहीं मानते तो पार्टी इसको सस्पेंड कर देंगी। एकाध के अलावा किसी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, तो ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं मोदी की भी नहीं सुनते हैं। सीआर पाटिल समझाने गए थे एयरपोर्ट पर मधु श्रीवास्तव को बड़ौदा एयरपोर्ट पर, वहां भी बात नहीं बनी। इससे पहले हर्ष संघवी गए थे, हर्ष संघवी ने समय लिया था इनका, मधु श्रीवास्तव जैसे बागी और तूफानी नेता ने यह कह दिया कि हर्ष संघवी है ही कौन, मेरे से छोटे उम्र का लड़का मुझे क्या समझाएगा, उससे तो मैं उनको राजनीति समझा और सिखा सकता हूं, उतनी बार तो मैं विधायक रह चुका हूं इस वाघोड़िया विधानसभा क्षेत्र से। तो कुल मिलाकर ये जो 11 बागी भारतीय जनता पार्टी में बचे हैं, सौराष्ट्र में भी हैं, उत्तर गुजरात में भी हैं और मध्य गुजरात में भी हैं, तो अब देखना दूसरे चरण में ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये बागी कितना नुकसान पहुंचाते हैं। इनके साथ साथ मैं आपके माध्यम से सर पीयूष शुक्ला को एक सवाल पूछना चाहूंगा जी, कि पीयूष जी, जीतू वाघानी का मत क्षेत्र है, शिक्षा मंत्री है, आम आदमी पार्टी ने अपनी कारपेट बॉम्बिंग भावनगर से की थी, भावनगर इलाके की उन स्कूलों को दिखाया था कि किस तरह की लचर सिस्टम में गुजरात का शिक्षा व्यवस्था चल रही है, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल गए और टारगेट सीधा शिक्षा पे करते हुए अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया जीतू वाघानी को टारगेट कर रहे थे। ये पाटीदार बहुल क्षेत्र है, वहाँ आम आदमी पार्टी पाटीदारों को किस तरह से जोड़ेगी पूरे चुनाव प्रक्रिया में? पीयूष, देखिए मेहुल जी, अभी तक जो पाटीदार नेता हैं या पाटीदार समुदाय के लोग हैं, यहाँ पर जब मैं भावनगर पहुँचा, उनसे जो बातचीत की और जिस तरह से जो अभी तक चीज़ें दिखाई दे रही थी आम आदमी पार्टी की, फिलहाल अभी यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर उनकी मैं बात करूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहा हूँ, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के संदर्भ में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्र जो हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी के कुछ फोकस चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। और रही बात पाटीदारों की, तो निश्चित तौर पर चूँकि मनसुख भाई भी एक बड़े पाटीदार नेता हैं और भावनगर जो है वो उनका गृह जनपद है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने भावनगर के जो बड़े पाटीदार नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के वो खेमे में रहे, उसके खेमे से ना बिखरे, इसको लेकर उन्होंने कई काम किए हैं और लगातार उनके संपर्क में रहे और उन्हें साधने की पूरी कोशिश की है। तो इस बात में इनकार नहीं किया जा सकता है कि जीतू वाघानी की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन यह भी आपको मानना होगा और समझना होगा कि आम आदमी पार्टी की स्थिति पूरे गुजरात की अगर बात करें तो उतनी सबल नहीं है जितनी सबल उसे होनी चाहिए थी। ठीक है कान्हा जी, वक्त है ब्रेक पर जाने का, लेकिन एक छोटा सा जवाब आपसे चाहता हूं, जो बात चल रही थी इसलिए वो टूट जाएगी, कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी की बात गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं सुन रहे? छोटा सा जवाब चाहता हूं, ब्रेक पर जाएंगे। ये बात थोड़ी ही सही इसलिए है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 182 सीट के लिए करीबन 4,500 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया कि हमें चुनाव लड़ना है, और दूसरी बात की उसके बाद भी ये जो 12 लोग थे उसने
रेबल जो होंगे उसको समझाना पड़ा, दो थोड़े लोगों को निकाल देना पड़ा, किसी लोगों को बिठा देना पड़ा, तो ये हुआ है। और मैं देख रहा हूँ ग्राउंड पे, जैसे मैं राजकोट में बात करूँ तो राजकोट में ऐसा है कि कल सी आर पाटिल को आके जो लोग काम नहीं करते उसको फिर काम पे लड़ाना पड़ा, अभी चुनाव से अगले दिन आना पड़े और ये लड़ाना पड़े, तो लगता है कभी अब सब ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी में भी लोगों की महत्वाकांक्षा जो बड़ी हो रही है बहुत ज्यादा। ऋषभ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के इनर सर्किल में उनकी बड़ी मजबूत पकड़ है। ऋषभ जी, क्या ये बात ठीक है कि गुजरात के लोग भी अब प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुन रहे? जी पता नहीं ये खबर कहां से निकल कर आ रही है, मुझे लगता है जिसकी बात पूरा देश सुन रहा हो उसके अंदर पार्टी के कार्यकर्ता कैसे बात नहीं सुनेंगे। जिसके पूरे देश के मन की बात जो प्रधानमंत्री करते हो उनकी मन की बात सब कोई सुनता है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो बात कर रहे हैं कि सर 19 रेबल वहां पर हैं मैदान में, तो वो सुन ही नहीं रहे होंगे ना, नहीं तो हट जाते। देखिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबके अपने अपने महत्वाकांक्षा होते हैं, कोई पांचों उंगली समान नहीं होती, किसी का कहीं ना कहीं उनका मन नहीं मिला होगा तो वो अपना डिसीजन ले रहे, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई कला है या हमारे अंदर कोई मतभेद चल रहा है एक पर्टिकुलर नेता को लेकर। वो आने वाला समय आपको दिखेगा कि ना केवल कार्यकर्ता एकजुट है, गुजरात की जनता भी एकजुट होकर वापस से भाजपा को लेकर आ रही है। एक विषय जरूर यहां से निकल कर आता है विजय जी, कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद कहीं ना कहीं एक जो समीकरण तैयार हो रहा है वो गांधी परिवार से तैयार हो रहा है। मुझे लगता है हमारे पार्टी के कलह को छोड़कर कांग्रेस अपने अंदर ये जरूर आकलन करे क्या सच में खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या एक बैकड्रॉप से बैक स्टेज से कोई और ही पार्टी को चला रहा है, उस पर आकलन करने की ज्यादा आवश्यकता। वो तो ठीक बात है। एक सवाल और सर, कि अभी तो वैसे वोटिंग हो रही है, फर्स्ट फेज का वोटिंग चल रही है, आधा दिन निकला है, आधा दिन बचा है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि जहां वो चुनाव जीतते हैं वहां सरकार बनाते हैं, जहां नहीं जीतते वहां जरूर बनाते हैं, तो गुजरात में कैसे आप सरकार बनाएंगे? गुजरात में जनता के द्वारा, मत के द्वारा, जनता चुनकर भेजेगी वैसा सरकार बनाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात मैं भी उसमें जोड़ता हूँ, जहां हम जीतते जरूर चुनाव बनाते हैं सरकार बनाते हैं, और जहां हम नहीं जीतते हैं वहां लोग आकर हमें बोलते हैं भैया आप आइए आप पे विश्वास है, किसी तरह पीछे रह गए हमारे साथ मिलकर सरकार बना लीजिए। तो विकास के लिए हम गठजोड़ भी करते हैं, विकास के लिए कहीं अकेला रहना पड़े तो वहां भी रहते हैं, प्राथमिकता विकास है, जो जुड़ेगा स्वागत है, जो टूटेगा विकास की नीतियों पर नहीं चलेगा उनसे हम दूरी रहते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग आपके संपर्क में होंगे ऋषभ जी, जो आपके साथ विश्वास जताना चाहते हैं भले ही दूसरी पार्टी से लड़े हों, ऐसा है क्या? बिल्कुल, हमारे संपर्क में पूरी गुजरात की जनता है, हमारे संपर्क में गुजरात की जनता का विश्वास है और हम विश्वास को लेकर चलते हैं। मेहुल जी, ऋषभ जी के पास गुजरात की जनता का भी विश्वास है, पार्टी का भी विश्वास है, और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनका भी विश्वास है, क्या कहते हैं आप? 99 से 111 तो पिछली बार भी हो गए थे। ये वही कह रहे हैं जो डबल इंजन सरकार वाला स्लोगन इस बार छोड़ा है कि केंद्र में नरेंद्र, राज्य में भूपेंद्र, और साथ साथ इस बार चुनावी स्लोगन है भरोसा भाजपा सरकार का, तो ये वही बात दोहराते हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने कहा कि खड़गे जी के बारे में एक चीज़ साफ कही कि खड़गे जी गांधी परिवार से ही जुड़े हुए हैं और कोई बैकड्रॉप में पार्टी और चलाता है, इससे कहीं ना कहीं भाजपा शासित राज्यों में भी शायद स्थिति यही है कि केंद्र में बैठे जो नेता हैं उनके इशारे से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। बात आप कांग्रेस की कर के पलटवार भले कर रहे हो, आप किसी राज्य की स्थिति को भी जाने, क्योंकि रूपानी जी जब से केंद्र में नरेंद्र भाई गए हैं उस वक्त से कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभाव रहा है गुजरात में नरेंद्र भाई का, और दिशा निर्देश भी लगातार मिलता रहा है कि किस कैसे मामलों में किस तरह से एक्शन करना है, कैसे रिएक्शन करना है। तो ऐसा नहीं है, सरकार स्वतः तो चलनी चाहिए पर शायद ये हो नहीं सक रहा है, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के किसी भी राज्य की बात कर ले, निगरानी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है, मार्गदर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का ही रहता है। हो सकता है कांग्रेस में भी खड़गे जी को मार्गदर्शन मिलता रहा हो तो उसमें बुरा ही क्या है, पर आप जब कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं तब आपको ये समझना चाहिए कि भाई केंद्र की सरकार ही हर राज्य की भाजपा शासित सरकार को चला रही है। विजय सर जी, ऋषभ जी,
नड्डा साहब भी तो खड़गे साहब तो ये नहीं कहते कि राहुल गांधी या गांधी परिवार का नेतृत्व में वो चल रहे हैं या वो कह रहे हैं, लेकिन नड्डा जी तो हर दिन बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, वो अपने भाषण में हर लाइन में प्रधानमंत्री जी का जिक्र किए बिना नहीं रहते। नेता हैं उनके, लेकिन पार्टी अध्यक्ष है ना, तो पार्टी अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री जी को मान रहे हैं, नेता को मान रहे हैं, तो खड़गे जी भी माने तो इसमें क्या बुराई है। और मेहुल जी ने कहा कि कुछ कई नेता जो हैं केंद्र के वो कांग्रेस राज्यों के नेताओं को या सरकारों को चला रहे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो लगा कि पार्टी में अब एक ही नेता है नरेंद्र भाई। जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए उसमें दो बातें हमें समझने की आवश्यकता है। पहला, संगठन के कार्यों से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, नड्डा जी स्पष्ट तौर से हमारे नेता हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका मार्गदर्शन हर एक कार्यकर्ता को मिलता है। लेकिन जब हम चुनावी राजनीति में जाते हैं तो संगठन का समीकरण राष्ट्रीय अध्यक्ष और विकास की जो गाथा चलती है वो हमारे सरकार के मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा विकास की नीतियों पे बात होती है। तो मुझे लगता है कहीं से इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि संगठन एक पैनल बॉडी चलता है, सरकार एक पैनल बॉडी चलता है। ये कांग्रेस में देखा जाता था कि संगठन सरकार एक ही है, लेकिन हमारे यहाँ सरकार की जब बात आती है तो विपक्ष के भी कार्यकर्ता हमारे लिए विकास में प्राथमिकता होते हैं, लेकिन जब संगठन की बात होगी तो नड्डा जी हमारे नेता है। कहीं से हमें कोई इसमें शक नहीं है कि नड्डा जी हमारे नेता नहीं है, लेकिन कभी भी संगठन के अंदर ये नहीं कहा गया कि मोदी जी के द्वारा प्लांट ये योजना आपको पार्टी में चलानी है। जो डिसाइड हमारा संगठन करता है, अंतिम व्यक्ति तक, मंडल तक, उप संयोजक तक वो कार्य करता है। लेकिन कई दफा ये देखा गया विजय जी कि जो डिसाइड राहुल गांधी सोनिया जी करते हैं वही संगठन भी होता था, वही सरकार भी होता था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। आप ये कह रहे हैं ऋषभ भाई, आप ये कह रहे हैं कि नड्डा जी या पार्टी जो है कोई योजना तैयार करे या कोई प्लान को तैयार कर रही है वो प्रधानमंत्री जी नहीं मानते, आप ऐसा कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि संगठन के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष की योजनाएं चलती हैं, चुनाव के अंदर सरकार के द्वारा पॉजिटिव काम के द्वारा उनकी योजनाएं को इम्प्लीमेंट को दिखाते हैं हम लोगों के पास, दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे चलता है, दोनों का तालमेल मिलकर विकास कैसे हो ये हमारी प्राथमिकता होती है। हमारे अंदर वन पावर समीकरण नहीं चलता है सर, हमारे यहाँ जनता कार्यकर्ताओं का समीकरण चलता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ऋषभ जी आपका शुक्रिया, मेहुल जी आपका शुक्रिया, कान्हा जी आपका शुक्रिया, और पीयूष जी आपका भी शुक्रिया, और हमारे साथ पीयूष जी जुड़े हुए थे, पीयूष पंत जी भी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी है वक्त ब्रेक का, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और गुजरात चुनाव की एक एक खबर ग्राउंड जीरो से आपको मिलती रहेगी, इसलिए कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौट कर आते हैं।